डिजिटल चेस्ट मेजरमेंट कैसे होगी, डिजिटलाइजेशन होने के कारण हमें फ़ायदा होगा या नुकसान। देखो 10% ही फिजिकल सेंटर एक्सेप्शन होते हैं जो चेस्ट में किसी बंदे को अनफिट कर देते हैं या क्रूशियल डेट को लेकर किसी को बाहर कर देते हैं। 90% फिजिकल एसएससीजीटी में बार बार चेस्ट को लेकर सवाल आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं कि भैया मेरा चेस्ट कम है, भैया मेरा चेस्ट कम है। डिजिटल चेस्ट मेजरमेंट कैसे होगी, डिजिटलाइजेशन होने के कारण हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, जिस तरह से RFID आई है। तो मेरे दोस्त जिनका भी चेस्ट 80 सेंटीमीटर से कम है, आज मैं आपको एक ट्रिक टिप्स और सीक्रेट बात बताऊँगा कि जिससे आप SSCGT के चेस्ट में आराम से फिट हो जाओगे। उसके बाद जिनका चेस्ट 80 से 85 है उन्हें भी जान लेना चाहिए कि आपका डिजिटल मशीन के द्वारा चेस्ट मेजरमेंट किस तरह से किया जाएगा। पहले जब हमारा चेस्ट मेजरमेंट फीते से होता था, कोई इंडिविजुअल ऑफिसर हमारे चेस्ट का मेजरमेंट करता था, वहीं अब अगर मशीन करेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले ऐसा होता था जिसका चेस्ट 80 सेंटीमीटर है लेकिन उम्र कम है, और डॉक्टर वो जो सामने वाला जो चेस्ट लेने वाला ऑफिसर होता है वो अगर देखता था कि 77-78 सेंटीमीटर है तो वो चेस्ट में उसे फिट कर देता था। क्या अब ऐसा हो पाएगा जब से कंप्यूटर का सिस्टम आ गया, क्या ऐसा संभव है? तो चलो इस स्पेशल वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। नीचे दिख रहे काले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कभी मन में कोई सवाल नहीं रखना है, कोई भय नहीं रखना है। मन में जो भी सवाल आते हैं कमेंट बॉक्स में आके जरूर कमेंट करना है। मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 0Km1, वहाँ पर आकर आप मेरे को DM करो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले जो चेस्ट मेजरमेंट होते थे वो कोई ऑफिसर करता था, खुद से फीता लेकर हमारे चेस्ट का मेजरमेंट करता था। उस समय क्या होता था, बहुत सारे फिजिकल सेंटर पर, देखो 10% ही फिजिकल सेंटर एक्सेप्शन होते हैं जो चेस्ट में किसी बंदे को अनफिट कर देते हैं या क्रूशियल डेट को लेकर किसी को बाहर कर देते हैं। 90% फिजिकल सेंटर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बोर्ड या मेडिकल बोर्ड ये नहीं चाहती है कि मैं किसी भी बंदे को अनफिट कर दूँ या बाहर कर दूँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी अफसर्स होते हैं, जो भी उस्ताद साहिबान होते हैं, जो भी SO साहिबान होते हैं, उन्हें पता होता है कि हम एक गरीब घर से आए हैं। वो तो उनको सब मालूम है, जितना आप खुद को नहीं जानते उतना वो आपको जानते हैं। यही वजह है कि वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को हम फिट कर दें। अगर कोई आपके बड़े भाई ये बोलते हैं कि वहाँ के ऑफिसर ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बंदों को अनफिट कर दें, तो वो बिल्कुल गलत करते हैं। हर हमेशा ऑफिसर यही चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को फिट कर दें। दूसरी बात, पहले जब चेस्ट मेजरमेंट होता था, हमारे ये जो नेपुल होते हैं ना चेस्ट के, इसके ठीक नीचे से होता था, तो वहाँ के अफसर अगर देखते भी थे कि बंदे का चेस्ट 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कम होता है तो वो बोलते थे बेटा तुम्हारा चेस्ट कम है धीरे से। तो उनको पता होता था कि हाँ भाई घर में रहता है, ठीक से डाइट नहीं मिल पा रहा है, ठीक से फिजिकल की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, बेचारा घर का भी काम कर रहा होगा, पढ़ाई करता होगा, अपने मवेशियों के चारे भी लाता होगा, ढेर सारे काम रहते हैं, गर्लफ्रेंड से भी बात करता होगा, तो वो उसे फिट कर देते थे, चेस्ट में बाहर नहीं करते थे। क्योंकि अगर मैं खुद की बात कर लूँ, मेरा चेस्ट जब मैं भर्ती हो रहा था तो 80-85 था, लेकिन अब भी मेरा चेस्ट 88 हो गया है। तो नॉर्मल सी बात है, जब हम डाइट लेंगे, थोड़े बड़े होंगे, हमारी उम्र ज़्यादा होगी और पुशअप मारेंगे तो चेस्ट हमारा ज़्यादा हो जाएगा, तो घबराना मत। अगर हम डिजिटल मशीन की बात कर लें तो देखो डिजिटल मशीन आपके चेस्ट का मेजरमेंट ज़रूर करेगा, लेकिन वहाँ पर बैठा हुआ बंदा, वहाँ पर बैठा हुआ कोई ऑफिसर ही होगा, और ऑफिसर भी नहीं चाहेगा कि चेस्ट के वजह से हम आपको अनफिट कर दें। हाँ, अगर आपका चेस्ट 80 के बजाय 75-76 सेंटीमीटर होगा तब तो फीते से भी नपवा लो या मशीन से भी नपवा लो, आपको चेस्ट में बाहर ही किया जाएगा। लेकिन अगर आपका चेस्ट 78-79 के आसपास है, 77 तक भी है, तो हर ऑफिसर चाहेगा कि इसे चेस्ट में फिट कर दें। अब हम बात कर लेते हैं कि चेस्ट को बढ़ाना कैसे है। आप ढेर सारे पुशअप कर रहे हो, ढेर सारे एक्सरसाइज कर रहे हो सकता है आप जिम भी ज्वाइन किए होगे लेकिन आपका चेस्ट नहीं बढ़ रहा है, तो घबराना नहीं है। चेस्ट को बढ़ाने का एक सबसे निंजा टेक्निक है, आप जैसे ही रनिंग की प्रैक्टिस करते हो, स्प्रिंट मारने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा थक जाते हो, अक्सर बच्चे क्या करते हैं बैठ जाते हैं, हमारी शेरशाहनियाँ बैठ जाती है, रेस्ट करने लगती है या घुटनों के बल इस तरह से झुक जाती है। आपको उस समय नहीं झुकना है, ठीक उसी समय आपको पुशअप मारना है। जितना ज़्यादा पुशअप मारोगे आपका चेस्ट उतना स्पीड में बाहर फेंकेगा। दूसरी बात, आप क्या टारगेट करते हो कि 50 पुशअप एक ही बार में मार दें, यहाँ भी आप गलती करते हो। आप 10-10 के सेट में बांट लो, एक बार 15 से 20 पुशअप मारो, उसके बाद 4-5 सेकेंड 20-25 सेकेंड का रेस्ट लो,
फिर 20 पुशअप मारो, फिर 30 सेकंड का रेस्ट लो, फिर 20 पुशअप मारो, फिर 45 सेकंड का रेस्ट लो, उसके बाद कोई दूसरा एक्सरसाइज कर लो, फिर पुशअप मारो। ऐसा करने से आपका चेस्ट बहुत स्पीड में बाहर आता है, क्योंकि जब मैं खुद फिजिकल की प्रैक्टिस कर रहा था मेरा चेस्ट 76 सेंटीमीटर था। इसी तरह हम किसी यूट्यूब भाई के वीडियोज़ को देख कर, हम भी रनिंग के ठीक बाद जैसे ही रनिंग कम्प्लीट हुआ प्रैक्टिस में जैसे ही रनिंग कंप्लीट हुआ पुशअप मारना शुरू कर देते थे। देखो कोई भी भाई आपके लिए वीडियोस बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं मेरे दोस्त। वीडियो बनाना इतना भी आसान नहीं है, खास करके कोई भी सिविलियन हो उन्हें सारा काम होता है, जॉब वाला है उसे अपने ड्यूटी के साथ वीडियो बनाना पड़ता है। मैं घर पर हूँ, छुट्टी पर हूँ, मुझे समय है तो मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो वीडियोज़ को देखना है, उनकी बातों को फॉलो करना है, 80% सही जानकारी दी जाती है। हाँ, फिजिकल रिजल्ट हो गया, कट ऑफ हो गया, इसमें कोई भी गैस कर सकता है, टेंटेटिव कटअप बता सकता है, टेंटेटिव फिजिकल रिजल्ट डेट बता सकता है, कोई आपको कंफर्म नहीं बताएगा। लेकिन वीडियो बनाने वाला हर एक बंदा बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके लिए आपके लिए वीडियोज को बनाता है। तो आपने जान लिया कि चेस्ट बढ़ाना कैसे है, रनिंग खत्म करने के ठीक बाद पुशअप मारना है। हम लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि जब आपका चेस्ट कंप्यूटर के द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा। देखो जब आपका चेस्ट मशीन के द्वारा मेजरमेंट किया जाएगा तो मेरे दोस्त आपका चेस्ट जितना आना है उतना ही आएगा, ना तो ज़्यादा आएगा ना तो कम आएगा। अब आपका गुड लक बैड लक दोनों बहाने हैं, कभी गुड लक आ जाता है कभी बैड लक आ जाता है। तो अगर आपका गुड लक साथ देगा, अगर आपका चेस्ट 78-79 सेंटीमीटर होगा, उस जगह कंप्यूटर बैठा हुआ कोई ऑफिसर होगा, अच्छा ऑफिसर होगा जो हमारी मजबूरी को समझता होगा, वो बोल देगा कोई नहीं 80-85 कर दो। ऐसी बात थोड़ी ही है, कंप्यूटर को मशीन को भी इंसान ने ही बनाया है, इंसान ही मशीन की हैंडलिंग करता है। नॉर्मल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जो आपके पैर में जो RFID चिप लगाकर आपको रनिंग करवाया जाएगा, आप जैसे ही रनिंग शुरू करोगे थोड़े देर के लिए उस चिप को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो बैठे होते हैं वो इंजीनियर होते हैं, IITN होते हैं, वो खुद उन्होंने उस चिप को बनाया है, बंद कर देगा। आप दौड़ोगे थोड़ी देर के बाद उसे ऑन करेगा तो पास होगे या नहीं होगे। ऐसा बेईमानी किसी के साथ नहीं किया जाता है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मशीन को इंसान ने बनाया है, मशीन का हैंडलिंग इंसान करते हैं, ना कि इंसानों को मशीन ने बनाया, इंसान की हैंडलिंग मशीन करेंगे। तो कभी भी मशीन को लेकर, डिजिटलाइजेशन को लेकर आपको घबराना नहीं है। अगर डिजिटल हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पहले किसी किसी का चेस्ट 81 सेंटीमीटर भी होता था तो किसी किसी फिजिकल सेंटर पर उसे 79 करके उसे आउट कर दिया जाता था, लेकिन अब मशीन आ जाएगा तो आपका चेस्ट का मेजरमेंट प्रॉपर तरीके से लिया जाएगा। तो घबराना नहीं है, संयमित रहना है, घर पर रहना है, फिजिकल की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और फिजिकल का रिजल्ट जिस दिन आना है उसी दिन आएगा। आपके हाथ पैर मारने से फिजिकल का रिजल्ट ऊपर नीचे नहीं हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड पर प्रैक्टिस करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट आते रहेंगे कि भैया जिस दिन फिजिकल का रिजल्ट आएगा उसी दिन से हम फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। आपको उनके चक्कर में नहीं पड़ना है, अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखना है। फिर भी मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है 0Km1, वहाँ पर आकर मेरे को आप DM कर सकते हो, मैं आपके हर DM का रिप्लाई दूंगा। मेडिकल और DV को लेकर चिंता नहीं करना है, सारे पॉइंट्स पर वीडियो जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।